मध्य प्रदेश के लहार में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे सुंदर नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके कारण मणिखेड़ा बांध से पानी छोड़ा गया है। आसपास के ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं। थाना प्रभारी असवार अभिषेक राय ने टीम के साथ पहुंचकर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों को जल्द से जल्द गाँव से दूर जाने की अपील की, साथ ही प्रशासन से परिजनों की मदद करने की अपील की है। मणिखेड़ा बांध से छोड़े गए पानी के कारण सिंध नदी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष बांध से छोड़े गए पानी के कारण कई ग्रामों में भीषण बाढ़ हुई थी, जिससे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस वर्ष भी ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण मणिखेड़ा बांध से कई हजार क्यूमिक्स पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण सिंध नदी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है और नदी किनारे बसे गाँवों में घुसने को आतुर नजर आ रही है। नदी किनारे के ग्रामों के पास के खेतों में नदी का पानी घुसने से कई किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है। इस वर्ष भी मणिखेड़ा डैम से पानी छोड़ा गया है। इसके कारण लहार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गिरवासा एवं छेकुर आदि ग्रामों के नदी किनारे के खेतों में पानी घुस गया, जिससे किसानों की फसलों का नुकसान हो सकता है। इस वर्ष भी नदी के पानी के उफान से ग्रामीण दहशत में हैं और नदी से दूर हैं। लहार से एमकेएन के लिए कैमरामैन संजय सोनी के साथ ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।